झिझक हम सबका है, ये उनका नहीं है जिनको हमने चुना है, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, केवल उनका नहीं है। वो तो केवल 5 साल के लिए आए हैं, दोबारा फिर जब आप उनको अवसर देंगे तो फिर चुने जाएंगे, लेकिन हम सबको तो यहीं रहना है। तो हम सबको एक स्थायी नीति बना करके और उस सोच के तहत हमें आगे बढ़ते रहना। ये जो मैंने नागरिकता की बात की, हम दोनों नागरिक हैं, हम सब नागरिक हैं। हम लोग अधिकारों की बातें बहुत करते रहते हैं, हमारा अधिकार है कि ये ट्रेन यहाँ ठहरनी चाहिए, हम रेलवे को इतना प्रॉफिट देते हैं, इतनी उनकी इनकम होती है, ये भी है कि नहीं यहाँ से सड़क निकलनी चाहिए, ये भी है कि दूसरे कार्य भी होने चाहिए। बात सच है, मैं सहमत हूँ उससे, मैं अलग नहीं हूँ, लेकिन कहीं न कहीं नागरिक होने के नाते हम सबके भी जो दायित्व है वो भी हम कभी कभी पुनर्विचार कर लिया करें। संविधान में इसका उल्लेख दिया हुआ, और जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ते भी हैं, लेकिन उस पर जो अमल होता है वो अमल नहीं हो पाता। ये कभी आवेश में हम लोगों ने देखा होगा, आवेश में कभी कभी किसी मांग को लेकर के ट्रेन का ठहराव, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ट्रेन का ठहराव यहाँ नहीं होता है तो हम ट्रेन को रोकते हैं, कभी कभी इतने आवेश में आ जाते हैं कि ट्रेन में आग भी लगाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये ट्रेन है किसकी? ये मैंने केवल ट्रेन का उदाहरण दिया है। इस प्रकार से न जाने कितने, कभी कभी हम लोग एक आंदोलन चलाते हैं, उसमें बसेस को आग लगाई जाती है, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल सड़कों पर, न जाने क्या क्या होता है। ये एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, इसमें हम लोगों को एक क्षणिक क्षणिक संतोष मिल सकता है, लेकिन अंततो गत्वा हमारी पीढ़ी ही इसको सफर करने वाली है। ट्रेन अगर रुक जाएगी, ट्रेन को आग लगा दी जाएगी, ट्रेन का नुकसान होगा, किसकी है? कहते हैं कि सरकार का, सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है, यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लाई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3,50,000 रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, उसमें से हर महीने 3,50,000 निकल जाता है, बचा कितना, और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है, कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा।